हे गाइस, कैसे हो सारे सारे? आई होप सभी बड़े होंगे। तो फाइनली जैसे कि तुम लोग जानते हो कि राइजली बैनर पे आ चुका है एंड बहुत लोग एक्साइटेड हैं, बहुत लोग परेशान भी है, बहुत लोग के बहुत सारे सवाल भी हैं। सो इस वीडियो में मैं उन सब सवालों के जवाब देने वाला हूं जो कि लाइव स्ट्रीम में लोगों ने मुझसे पूछा था, एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन मेरा क्या रहा है राइजली को लेके, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारे सवालों के जवाब मिले। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये करेक्टर पसंद है तो डेफिनेटली आप इसे पुल कर सकते हो, क्योंकि आपको ये प्ले स्टाइल इसका डिजाइन पसंद है। अदरवाइज मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, दिस वीडियो मे बी हर्ट योर फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पे राइजली पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं जो कि गेंशिन कम्युनिटी ने लगाए हैं। देखा जाए तो वो 100% सच नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो इफेक्ट तो करते हैं, उन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ राइजली, तो लेट्स जंप इनटू इट। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की और इसके प्ले स्टाइल की। काफी यूनिक है, काफी इजी टू प्ले भी है और काफी क्लासिक है और कूल भी है। इसका जो पूरा का पूरा कॉम्बैक्ट है वो है क्लोज रेंज कॉम्बैक्ट, जो कि मिली में आता है क्योंकि ये नॉर्मल अटैक्स यूज करता है। बात करते हैं इसके नॉर्मल अटैक्स की, तो वो 5 बारी हिट करते हैं जिसकी स्केलिंग काफी एवरेज है, मगर बात करते हैं चार्ज अटैक स्केलिंग की तो वो काफी हाई है, 244 एट लेवल 8, और इसे क्राउन देने पे ऑलमोस्ट ये 275 के आसपास चले जाएगा। तो इसका चार्ज अटैक बहुत ही मैसिव अमाउंट ऑफ हिट कर सकता है अगर आपने रिएक्शन किया तो, सिंपल एंड स्ट्रेट। बात करते हैं स्किल डैमेज की, तो स्किल डैमेज इसके नॉर्मल अटैक्स को बूस्ट कर देते हैं। आई रिपीट, नॉर्मल अटैक्स, नॉट चार्ज अटैक। दूसरी चीज, इसकी जो एचपी है वो ड्रेन भी होती है अगर वो 50% से अबव है। अदरवाइज अगर आपकी 50% है या 50% से नीचे है तो आपको बूस्ट नहीं मिलेगा, तो आपकी स्किल हो जाएगी प्रॉपर यूजलेस। बात करते हैं इसकी अल्टीमेट, तो इसकी अल्टीमेट जस्ट लाइक वॉन्डर है, 5 बारी हिट करती है एनिमीज को, डील करती है क्रायो डैमेज, उसी के साथ साथ ये औजा इफेक्ट डील करता है एनिमीज को। अल्टीमेट में कुछ खास नहीं है, एनर्जी की कॉस्ट 60 की है तो काफी एवरेज है, एनर्जी का ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकता। मैंने ट्राई किया है, मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम पे ट्राई किया था, कम से कम 3 या 4 पार्टिकल्स ये निकाल लेता है। 2 पार्टिकल्स तो चार्ज अटैक में ही निकाल लेते हैं इसने, और बाकी के नॉर्मल अटैक से हिट करने में 1-2 पार्टिकल्स निकाल लेता है, तो कम से कम 3 से 4 पार्टिकल्स निकाल लेता है जो मैंने नोटिस किया। अब बात करते हैं पैसिव की। पैसिव में सिंपल वे में लिखा गया है कि 60% से अगर इसकी एचपी नीचे हुई तो इसका जो नेक्स्ट चार्ज अटैक है उसको 50% डैमेज इंप्रूव मिलेगा उसके अंदर, और उसमें स्टैमिना भी कंज्यूम नहीं होगा, प्लस एचपी रिस्टोर होगा 30% ऑफ हिज मैक्स एचपी, और ये इफेक्ट ट्रिगर होता है 5 सेकंड्स। तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पहली बात तो इसमें 5 सेकंड्स का कूल डाउन लगा पड़ा है। दूसरी चीज इसमें यह है कि इसमें लिखा है 60% और इसकी इसकी स्किल में है 50%, तो ये जो 50 से 60 के बीच में जो है ये क्राइटेरिया, ये आप बैलेंस नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ये बहुत ही डिफिकल्ट है और अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सीन क्या है कि इसको आप ज्यादा हीलिंग दोगे तो आपका स्किल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एचपी ऊपर है, स्किल एक्टिवेट करी, बफ मिल गया। बट आपकी अगर एचपी लो है, 60% से नीचे गई, तो आपको चार्ज अटैक बफ मिलेगा, स्किल अगर आपने प्रेस किया उस वक्त तो आपको स्किल का बफ नहीं मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा बकवास है, ये बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके सेकंड पैसिव की। सेकंड पैसिव बहुत ईजी है, वो हमेशा ट्रिगर होता है, एचपी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इसको अटैक इंक्रीज होगा 6%, 5 स्टैक्स मैक्सिमम 30%, यू कैन इजिली गेन। अभी राइट नाउ सबसे बेस्ट टीम जिसमें ये काफी अच्छा हिट कर रहा है वो है मेल्ट। क्यों? क्योंकि इसका जो इंटरनल कूल डाउन है, जो मैंने चेक किया, पहले पे ये मेल्ट करता है, दूसरे पे ये नहीं करता, तीसरे पे नहीं करता, फिर चौथे पे करता है पहले हिट पे। अगर आपने डैश कैंसिल करके चौथा हिट स्किप कर दिया तो 5वें पे आपको मिल जाएगा मेल्ट, और यू कैन ऑल्सो यूज अ चार्ज अटैक। तो देखा जाए तो डिफॉल्ट है एवरी 2.5 सेकंड्स का, जहां तक मैंने अभी नोटिस किया। कहने का मतलब ये है कि इसके साथ आपको कैंसिल करना पड़ेगा इसका 4th हिट, ताकि आप 5th हिट पे या फिर इसके चार्ज अटैक पे मेल्ट कर सको और आपको बड़ा नंबर देखने को मिले। जस्ट लाइक हुताओ वाला सीन हो गया कि आपको कैंसिल करना पड़ेगा जंप कैंसिल, तो ये बहुत मुश्किल हो सकती है फोन यूजर्स के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि फोन यूजर्स इस्तेमाल करने से पहले सोच लेना। ये बात तो थी इसकी मेल्ट की। बात करते हैं बाकी टीम कॉम्स की, जिसमें लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, जैसे कि हाइपर फ्रिज हो गया एंड लाइक मोनोक्रायो हो गया। आप उस टीम में रन कर सकते हो, उसे डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके पास शेने या काजू आना चाहिए टू इम्प्रूव द पर्सनल डैमेज, अदरवाइज इसका पर्सनल डैमेज इतना खास नहीं लगेगा। और यू कैन ऑल्सो यूज जोंगली और येलन ताकि इसका पर्सनल डैमेज और इम्प्रूव हो सके अगर आपके पास यूनिट है तो। और शील्ड करेक्टर में यू कैन ऑल्सो यूज थोमा C6 और लैला, वो भी काफी बेटर ऑप्शन रहेंगे। और सबसे लास्ट में यूनजिन रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास C6 है, बट आपको ऑलरेडी मालूम है कि वो काफी ज्यादा एनर्जी हंग्री करेक्टर है, बट आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज इसका पर्सनल डैमेज आपको इतना खास नहीं लगेगा अगर आप उसे बूस्ट ही नहीं कर पाए तो। और सबसे स्ट्रॉन्ग करेक्टर मेल टीम के लिए जो है शेंगलिंग और बैनेट है, बैनेट के साथ काम नहीं हो पा रहा है बिकॉज वो 70% हील करता है। आई रिपीट, 70% हील करता है, और अगर हीलिंग होगी तो स्किल तो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा,
मगर आपका जो ये चार्ज अटैक है ये पैसिव यूजलेस हो जाएगा। सिंपल में बोलूं तो इसकी किट इस तरीके से है कि इसको हील भी चाहिए और इसको हील नहीं भी चाहिए। प्लस इसका जो पहला पैसिव है ये कंटिन्यूसली आपको बार बार हीलिंग भी नहीं दे सकता बिकॉज इसमें 5 सेकंड्स का कूलडाउन लगा पड़ा है। ये चीज मैंने नोटिस करी जब मैंने इसको बहुत बार इस्तेमाल किया किसी और के अकाउंट में। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल है, जस्ट लाइक हुताओ सीवन टू इंप्रूव द प्ले स्टाइल टू इंप्रूव द डैमेज ओवरऑल, सेम इसका भी सीवन है। एक्चुअल में सीवन में है क्या, तो मैं सिंपल वे में समझाता हूं। जैसे इसकी एचपी 60% से नीचे होगी या फिर नहीं हो और आपने स्किल इस्तेमाल करी हो तो एवरी 2.5 सेकंड्स में आपको सीवन का पैसिव एक्टिवेट मिलेगा। आप एक चार्ज अटैक यूज कर सकते हो और हील कर सकते हो, ठीक है, सिंपल वे में। बात करते हैं उसी के साथ साथ आपको 200% डैमेज बोनस इंक्रीज मिलेगा जो कि इसके चार्ज अटैक में, और उसी के साथ साथ इसका जो स्किल ड्यूरेशन है वो 4 सेकंड्स के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे तीन चीजें मिल रही हैं। स्किल ड्यूरेशन जो 10 सेकंड्स का था वो 14 सेकंड्स का हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा ब्रोकन हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो इसका ये इफेक्ट था 5 सेकंड्स वाला ये 2.5 सेकंड्स में ट्रिगर हो पाएगा। तो आप इजीली चार्ज अटैक यूज कर सकते हो, हील कर सकते हो और अपना बड़ा बड़ा मेल्ट डैमेज दे सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं जबरदस्ती ज्यादा फोर्सफुली किया गया है ताकि आप इसका सीवन निकालें। ये होयोवर से बहुत ही चीप ट्रिक इस्तेमाल करी है टू सेल द करेक्टर सीवन, एंड दिस इज द रीजन आई थिंक यू शुड वेट। अगर आपको एक करेक्टर ट्राई करना भी है तो आप पहले फरूना निकाल लीजिए, उसके बाद अगले रीजन में निकाल लीजिए इसे अगर आपको ये बहुत पसंद है। डैमेज तो अच्छा है नो डाउट, मगर ये डैमेज और बेटर हो सकता था अगर इसमें कूल डाउन का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो, ठीक है। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको स्किप करो, ठीक है। आप हाइड्रो आर्कॉन निकालो क्योंकि हाइड्रो आर्कॉन एच पी ड्रेन करती है, कंज्यूम करती है और आपको एक हीलर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके साथ इसकी एच पी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी, तो ये पॉसिबिलिटी है इसका डैमेज भी बढ़ेगा और ये काम भी करेगा सी जीरो पे। अदरवाइज इसको कोई बचा नहीं सकता, इसका सीवन बहुत जरूरी है और ये करेक्टर डूब चुका है एज ए F2P प्लेयर, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई करेक्टर को अगर उसके कॉन्स्टेलेशन की जरूरत पड़ रही है तो वो F2P फ्रेंडली नहीं होता। बात करूँ उसके आर्टिफैक्ट सेट की तो यार डेफिनेटली सिग्नेचर सेट इसका यही है, क्योंकि एच पी डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी तो उसको क्या बोलते क्रिट रेट मिल जाएगा ईजिली और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। वेपन में देर इज अ सिग्नेचर वेपन और देर इज अ ऑल्टरनेटिव वेपन जिसपे ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप विथसिथ भी कर सकते हो इस्तेमाल, एटलस भी कर सकते हो, लॉस्ट पेयर भी कर सकते हो और स्कारा का भी वेपन यूज कर सकते हो। बहुत सारे वेपन्स है जो इस्तेमाल करता है। वेपन और सेट बोनस में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी की पूरी दिक्कत है पैसिव और स्किल का जो है सिंक वो नहीं हो रहा। दूसरी चीज जो कि लोग पूछ रहे हैं बहुत ज्यादा कि कामिसा तो आय का है मेरे पास, निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? मेरे ख्याल से आपको नहीं निकालना चाहिए अगर आप मेल्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि कामिसा तो आय का मेल्ट में थोड़ा सा डाउनग्रेडेड है, मगर ये बहुत बढ़िया है अगर आप निकालना चाहते हो तो। मेल्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बात करते हैं दूसरी चीज की जो कि लोग पूछ रहे हैं जिनके पास शेने नहीं है, कजुआ नहीं है, मैं तो उनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास यूनिटी अच्छी नहीं है। बैनेट के साथ तो ये काफी बढ़िया काम कर नहीं रहा है। अगर स्किल मिला तो आपको ये नहीं मिलेगा और अगर ये मिला तो फिर स्किल का नुकसान हो सकता है। तो ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन और जो चीजें मैंने देखी चीजें मैंने बताई है। प्लस उसके साथ साथ बात करूं इसके AoE डैमेज की तो इसका AoE डैमेज बहुत ही बेकार है। एनिमीज को चुपक के साथ में रहना पड़ेगा तब जाके डबल हिट हो सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा डिस्टेंस में रहे लाइक कुकी के स्किल जितने डिस्टेंस में रहे तो वो AoE बिल्कुल भी नहीं है इसका, बहुत ही बेकार है। मगर ये अपने चार्ज अटैक में शैटर करता है तो इस वजह से वो कंटिन्यूसली फ्रीज भी नहीं हो सकता। तो मेल्ट ही है एक ऑप्शन जिसमें काफी बढ़िया है, बाकी यू कैन यूज इन मोनोक्रायो टीम अगर आपके पास शेने है या फिर हाइपरब्लूम टीम जिसे हम फ्रिज हाइपरब्लूम बोलते हैं उसमें कर सकते हो। तो ये था मेरा इनिशियल फर्स्ट थॉट अबाउट द रीजली, एंड आई होप कि मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से समझा दिया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज हेट करने की जरूरत नहीं है। दिस करेक्टर इज रियली अमेजिंग, क्लासिक है, स्वैग है, डैशिंग है, बढ़िया करेक्टर है, मगर अभी इसकी हालत डाउन चल रही है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूं। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। सो अगर तुम्हें मेरा रिव्यू पसंद आया है तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेशन से और वीडियोस लेके आऊं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, लव यू एंड पीस।